सालों पहले आदिम काल में एक पप्पू नाम का आदमी था और वो भूखा मर रहा था। आसपास सबके पास ही खाना था क्योंकि सबको शिकार करना आता था। उसके अलावा एक दिन वो एक बकरी का शिकार करने जाता है, लेकिन उल्टा उसका ही ढाकी टिकी हो जाता है। पप्पू अपने ही जैसे और इंसानों के साथ मिलता है और उन सबका भी इसके जैसा ही सेम हाल था। परेशान होकर वो नियम बनाता है। कि इंसानों को मिलजुल कर रहना चाहिए, सारा खाना हर एक इंसान के साथ बांट कर खाना चाहिए। और तब से ह्यूमंस आर सपोज टू हैव फ्रेंड्स, लेकिन मेरा कभी भी कोई भी दोस्त नहीं बना। वीडियो बनाते वक्त मुझे पास्ट के थॉट्स बहुत ज़्यादा सताने लग गए थे। स्क्रिप्ट डार्क बनता ही जा रहा था, लेकिन एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। इस इमोशनल स्टोरी से आप सबको बहुत सारे लेसन सीखने को मिलेंगे। किंडरगार्टन में बच्चे कितने मासूम होते हैं, फ्रेंड का मतलब ही पता नहीं, हर किसी को ही बेस्ट फ्रेंड बताया जा रहे हैं। फिर आती है एग्जाम्स, टेस्ट्स और पढ़ाई लिखाई, जो कि जन्म देता है जीलसी और एनवी को। मैं क्लास का टॉपर था, फिर भी आई वॉज द मोस्ट इग्नोर्ड पर्सन इन द क्लास। जिस बेंच पे जाके मैं बैठता था, वहाँ से सारे भाग जाते थे। रैंडम गॉसिप से मुझे दूर रखना, व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे दूर रखना, किसी के बर्थडे पे मैं कभी भी इनवाइटेड नहीं था। इतने सारे स्टूडेंट्स के क्लास में मैं पूरा ही अकेला था, और शुड आई से मुझे अकेले रहने पे मजबूर किया गया था। इतना ही बुरा और डार्क स्कूल लाइफ गया है मेरा कि पूरे 12 साल का मेरे पास एक भी पिक्चर नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड्स ही नहीं था जिनके साथ मैं मेमोरीज बनाऊँ। मेमोरीज है तो सिर्फ डार्क मेमोरीज। क्लास 9 से मैंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। वही नेगेटिव वाइब्स लेने बार बार कौन जाएगा स्कूल। घर में ही बैठकर सेल्फ स्टडी करने लग गया मैं। उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था, अकेलापन बहुत सताता था मुझे, अकेले में ही रोने लग जाता था मैं। लेकिन आज 5 साल बाद मुझे खुद पर गर्व होता है, क्योंकि जो जो स्टेप्स मैंने लिया, हर एक स्टेप्स सही था। मैं जिस टाइम स्कूल जाना बंद कर दिया था, उसी दौरान मेरे क्लासमेट्स नशा करना चालू किए थे। कौन के बारे में उन्हें पता चलता है। घर पे रहने के कारण मैं सारे खराब चीजों से दूर हो चुका था, और वैसे भी मेरे क्लासमेट्स कतई बेवकूफ थे। लॉजिकली उन लोगों को मुझसे और भी ज्यादा दोस्ती करना चाहिए था, जिससे कि उन लोगों का एग्जाम में, पढ़ाई लिखाई में और ज्यादा हेल्प हो सके। तो कोई फ्रेंड्स ना होना स्कूल में मुझे और भी ज्यादा बेनिफिट कर गया। अब आते हैं लेसन की तरफ। जीलस होने से कोई फायदा नहीं। जो इंसान एक बार ऊपर उठ चुका है, उसका तुम जितना भी पैर खींच लो, वो नीचे नहीं उतरने वाला। दूसरे का पैर खींच के तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। एक ही रास्ता है सक्सेसफुल बनने का, जो ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर चुका है, उसको देखकर, उससे सीखकर, खुद मेहनत करके उस लेवल पे पहुंचा जा सकता है, और तुम उससे ज्यादा भी ऊपर लेवल पे पहुंच सकते हो अगर तुमने ये कर लिया तो। अगर कोई तुमसे ज्यादा मार्क्स पा जाए स्कूल में, तो जीलस मत हो जाना। उसने तुम्हारा पैसा नहीं लूट लिया, उसने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स किया है वो देखो, और तुम उसको अपने स्टडी में ऐड करो। टॉक्सिक फ्रेंड्स की बात हो और सोशल मीडिया की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। कोचिंग, स्कूल और भी बहुत सारे रीजन के चलते हम लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और स्नैपचैट जैसे ऐप्स पे लोगों के साथ चैट करते हैं। रियल लाइफ लोनलीनेस को दूर करने के लिए आई यूज्ड व्हाट्सएप अ लॉट। आई मेड अ वेरी नाइस ऑनलाइन फ्रेंड कोचिंग पर्पस के लिए, लेकिन असल में वो एक वहम था। एवरीथिंग सून टर्न्ड वन साइडेड। अगर आप ही सिर्फ एक तरफा चैट्स भेजते हो और वो केवल हुम हाई या फिर इग्नोर कर देते हैं, अगर आप ही हमेशा हैंगआउट्स और मीटअप प्लान करते हो और वो कभी इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, अगर वो आपको ऐसा फील करवाते हैं कि उनका आपको रिप्लाई देना आपके लिए एक एहसान है, माय फ्रेंड, उनके लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे टॉक्सिक फ्रेंडशिप से दूर भागिए। आप जैसे नेक दिल इंसान और बढ़िया दोस्त डिजर्व करते हैं। 2 साल तक फ्रेंडशिप को वन साइडेडली कैरी करने के बाद आई इवेंचुअली रियलाइज दिस। ऑनलाइन किसी को हेट देना या फिर लव कन्वे करना बहुत आसान होता है।
इसलिए व्हाट्सएप पे किसी के दो मीठे मीठे बातों पे अपना दिल मत लगा बैठना। अगले की असलियत क्या पता आपको काफी समय बाद पता चले। फ्रेंड्स होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अकेले हो, डोंट बी सैड, रिमेम्बर जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव। खराब लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने से अच्छा है अकेले रहना। इसके बारे में अमन धत्तरवाल भैया और अच्छे से बोल पाएंगे। ये सारे के सारे स्कूल, जैसे ही कॉलेज में जाओगे स्कूल के दोस्त भूल जाओगे, जैसे ही कॉलेज छोड़ के किसी जॉब में चले गए कॉलेज के छूट छूट जाएंगे। हार्डली आपके साथ यार एक दो मैक्स तीन होंगे ही नहीं, दो लोग होंगे जो आपके साथ जुड़े जुड़े रह जाएंगे, और अगर आपने हाइट पकड़ ली तो वो दो भी छूट जाएंगे। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। एकमात्र लोग जो आपके पास हमेशा पीछे रहेंगे वो है आपके मम्मी और आपके पापा, ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है जब भी आप अच्छा करोगे। बाकी पूरी पृथ्वी पे शायद लोगों को अच्छा ना लगे, आपके दोस्त को भी बुरा लग सकता है अगर आप टॉप कर दो तो। आपके पेरेंट्स को हमेशा अच्छा लगेगा अगर आप उनसे बेहतर करोगे तो, यार हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है। अगर आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स आपके साथ है तो आप अकेले नहीं हो। मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, मेरा नानी, अंकल्स, आंटीज, नेबर्स सब मेरे पास थे और मुझे हमेशा सपोर्ट किए, इसलिए वो लोनलीनेस धीरे धीरे पूरी तरीके से चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रेंडशिप से भरोसा हटा दो, क्या पता आपको फ्यूचर में बहुत बढ़िया दोस्त मिल जाए। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद मैं अपने पास्ट से मूव ऑन करके नए कनेक्शंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। माई बैचमेट्स और मेरे सीनियर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और फ्रेंडली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इंजीनियरिंग के 4 साल लाइफ के सबसे बेहतरीन 4 साल बने, लेकिन ऐसे ही अकेले रहने से मुझे अलग ही बीमारी हो चुका था। वीडियो की समाप्ति। यही साल का आखिरी वीडियो है। यूनिवर्सिटी का पढ़ाई और यूट्यूब वीडियोस दोनों एक साथ मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वीडियोस आपको लंबे इंटरवल के बाद देखने को मिलेंगे। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।